सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के स्कूल्स में मिशन बुनियाद चल रहा है और समर वेकेशन में भी हमारा मिशन बुनियाद कंटिन्यू होने वाला है, तो उसके तहत टीचर्स को मिशन बुनियाद का लेसन प्लान बनाना है। उसी संदर्भ में आज ये वीडियो बनाई जा रही है जो मैंने ये बनाया है। ये देखिए, मिशन बुनियाद एक मजबूत आधार। तो अब हम इसके लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कुछ हमारे लक्ष्य, जो हमें निर्देशिका मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्कूल में प्रोवाइड कराई गई है, उस निर्देशिका में हिंदी और मैथ्स दोनों के लिए निर्देशिका आई थी। तो इस तरह से कुछ लक्ष्य दिए गए थे। ये लेवल वन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, पहले लेवल वन के स्टूडेंट, और उनके लिए जो निर्धारित लक्ष्य हैं वो चार बिंदु आपको निर्देशिका में मिल जाएंगे, वो लिखने हैं। उसके बाद ये है आपका रोज़ाना की जाने वाली गतिविधियाँ, जो ये भी आपको निर्देशिका में मिल जाएगा। वो टेबल बनाया है ताकि बार बार आपको निर्देशिका खोलकर देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसे आप कॉपीज़ में लिख लेंगे तो ईजी रहेगा। उसके बाद ये है लेवल वन का जो लेसन प्लान है। पहले यहाँ पर लेसन प्लान वन है, मैथ्स का है, 45 मिनट्स का है, और क्या इसमें जो टॉपिक लिया जा रहा है, एडिशन विदाउट कैरी वाला। ऊपर जो है जनरल एम्स लिखे हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, ये है। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, टीचिंग एड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जो आपको जानना है कि बच्चों को पहले से क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे चलेंगे। जब आप ये पूछेंगे, स्टूडेंट्स आर गिवन द क्वेश्चन 23+12, तो बच्चा यहाँ थोड़ा परेशान होएगा, नहीं कर पाएगा, तो आप अनाउंस करेंगे टॉपिक को, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स एक्टिविटी, और एक साइड में आपकी पीपल्स एक्टिविटी जो आपका बच्चा कर रहा होगा। उसी तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंटिन्यू है। उसके बाद जैसे ही आपका पूरा जो क्लास टीचिंग है ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको ये रिकैपिटुलेशन देना है। यहाँ पे आपने एक सम दिया बच्चे को और उसे आप कराकर देखेंगे। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं। उसके बाद आपको होम असाइनमेंट देना है।